जुनून और जिद के चलते आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही कारनामा गंज बासोदा की जमुना शर्मा ने कर दिखाया। मोहल्ले और खुद को पानी की किल्लत से हमेशा जूझना पड़ता था, जिसके चलते जमुना ने अपने बच्चों सहित घर के आंगन में कुआं ही खोद डाला और 2.5 महीने के अंदर कुआं तैयार हो गया। उस कुएं को बने 10 साल हो गए, इसके बाद भी कुएं में पानी अभी भी बरकरार है। इस कार्य के लिए जमुना जिला कलेक्टर सम्मानित हुई है। जमुना की साहस भरी कहानी, जिन्होंने कुआं खोदकर आत्मनिर्भरता की एक मिसाल समाज के लिए पेश की है। गंज बासुदा की जेल रोड पर रहने वाली जमुना शर्मा ने 10 साल पहले अपने ही घर में परिवार के साथ कुआं खोद दिया था। उन्होंने बताया कि वह इस क्षेत्र में मकान बनाकर रहने आई हुई थी, लेकिन क्षेत्र में पानी की किल्लत बड़ी समस्या थी। मोहल्ले के लोग भी पानी संकट से जूझ रहे थे, तब जाकर खुद कुआं खोदने का साहस किया। लेकिन मन में ख्याल आया कि छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे कुआं खोद पाऊंगी, क्योंकि जमुना अपने बच्चों के साथ ही रहती है। कमाई का कोई जरिया नहीं था, बजट भी कुआं खोदने का इतना नहीं था कि वह मजदूर लगा सके, लेकिन मासूम हाथों के साथ जमुना ने खुद तगारी और पावड़ा पकड़ा और प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 2.5 महीने के अंदर कुआं खोद कर तैयार कर दिया। कुएं में पानी दिखने लग गया और लोगों को इस संकट से मुक्ति मिल गई। जमुना के पास पड़ोस के लोग इस कुएं से पानी भरकर ले जाते हैं। वहीं इस साहस भरे काम करने के लिए तत्कालीन कलेक्टर ने सम्मानित किया और उन्हें आंगनवाड़ी या किसी भी पद पर नौकरी देने की बात कही, लेकिन जमुना को कोई भी ऐसी सरकारी मदद नहीं मिल सकी। जमुना के पड़ोसी भी बताते हैं कि जमुना ने जब कुआं खोदा था तो उसके बच्चे भी बहुत छोटे थे। जमुना चाहती है कि अगर कोई सरकारी मदद मिल जाए तो उनका जीवन और सुधर जाए। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। बहुत बड़ा था, छोटा रह गया वो, और मोहल्ला में पानी पहले सब भरते थे, अभी हमारे घर का ही चल रहा है। अब बच्चे उस समय कितने बड़े थे आपके साथ जो कुएं खोदने में सहायता करी उन्होंने आपकी? 3 बच्चे थे, एक 10-11 साल की थी, एक 13 साल की थी, एक एक 1.5-1.5 साल के अंतर। बच्चे दोनों साथ में ही आप लोगों ने बड़े कार्य को अंजाम दे दिया। तो बच्चे ऊपर निकालते थे, मैं नीचे अंदर जाकर मट्टी खोदती थी, और इसमें पानी निकला सोमवार के दिन, तो बंधवा लिया था हमने, कैसे बंधवा कर अब पानी उसी का पी रहा है। ठीक है जी, कितने फुट गहरे में पानी आ गया था? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।